हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। और जैसे कि गाइस हमारी अभी लद्दाख लेह लद्दाख की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लेह के काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर्स में जाएंगे। यहाँ पे असली कल्चर और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और काफ़ी सारे आर्टिजन से आपको मिलाएंगे। साथ ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हम कवर करेंगे। तो आज हम आए हैं अपने पहली जगह पर, जहाँ पर अभी हो रही है लद्दाख की स्पेशल फर्नीचर्स बन रहे हैं, जिनको लद्दाख की चौकसी टेबल भी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आपको दिखाते हैं कि चौकसी टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। तो गाइस अब हम आ गए हैं इस वर्कशॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम और इस वर्कशॉप का नाम क्या है? मेरा नाम है शेनाम। अच्छा। और इस यहाँ पर वर्कशॉप में चौकसी टेबल बनाई जा रही है, जैसे कि आपने मेरे को पहले भी बताया। तो यहाँ पे इस बनाने का प्रोसेस क्या क्या होता है? यहाँ पे मतलब ये लोग बनाता है जो, तो मेरा नहीं है, मेरा बड़ा भाई का लड़के का ये फैक्ट्री। मैं तो ऐसे दुकान में, यहाँ से ले जाता है दुकान में, वो करता हूँ, वहाँ पे बेचता हूँ। अच्छा, यहाँ से बनाता है ये लोग बनाता है। अच्छा, तो असली कारीगर गाइस ये लोग हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चम्मच तांजन है। अच्छा जी, तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे टेबल बनाने का? यहाँ टेबल बनाने का 15 साल से बैठे, 15 साल से काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप हमारे को सारे प्रोसेस एक बार कंटिन्यूस में बताइए कि क्या सबसे पहले होता है। आप लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आते हैं? लकड़ी ऐसा लोकल ले आता है, यहाँ गाँव में ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। वो मालचांग लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खोदने के लिए जो भी होगा मालचांग लगाता है। गाँव में ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, या नुब्रा से, या ज़्यादा से ज़्यादा नुब्रा साइड और शाम साइड से आता है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मालचांग, न्यूब्रा और शाम साइड से ये ज़्यादा आता है ये लकड़ियाँ। ठीक है, शिशु से मिला तो पहले तो बड़ा वाला आता है, फिर हम मशीन से बड़ा वाला मशीन से ले जाता है, गरीबों का उधर छिल देता है। हाँ, उसके बाद छोटा थोड़ा बहुत छोटा करके लाता हूँ, फिर इधर लाता हूँ। अच्छा। फिर इधर सुखाने के बाद फिर थोड़ा छोटा करके। अच्छा, ये लोग सुखा देते हैं, ये बहुत आदमी यहाँ पे काम। अच्छा ठीक है, तो गाइस इसके काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, तो हम चलिए एक एक प्रोसेस देखते हैं। ये जैसे कि मालचांग से लकड़ी आ गई, इसको छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे लकड़ियाँ लेके आ गए। आप देखते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो लकड़ी छीनने के बाद हम उधर से छिड़ता है, इसके बाद यहाँ लाता है, सुखाने के बाद फिर हम मशीन से बिल्कुल पीस से जैसा कर देते हैं। हाँ, फिर ये जैसा कर लेता है, फिर यहाँ पे सफ़ेद कर देता है, फिर हम पेंटिंग कर देते हैं। अच्छा। पेंटिंग करने के बाद ये बंदे लोग फिर इसको काटते हैं। मैम ये जैसे में काटते हैं। अच्छा, ये जैसे में काट लेता है। तो इसके लिए जो आरी होती है, ये कैसी आरी होती है? ये आरी ये लोकल आरी होता है मैम, ये बना के जैसे की तार से खुद बनाते हैं, हैंडमेड आरी। अच्छा ठीक है, तो गाइस जैसे कि यहाँ पर ये लकड़ी आ गई है और इसके बाद यहाँ पर इस पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं और फिर उस डिज़ाइंस को काटने के बाद वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं ये अपनी लोकल हैंडमेड आरी से कैसे इन डिज़ाइंस को काट रहे हैं। तो गाइस ये जो अपनी ये लोकल हैंडमेड आरी है, इस पर धार लगा रहे हैं और जब ये धार लग जाएगी उसके बाद ही ये वुड की कार्विंग करते हैं। काफी टाइम लगता होगा इसको काटने के लिए? काटने के लिए लगभग आधा घंटे जैसे लगते हैं। आधा घंटे ये दर के ऊपर आता है, कभी कभी दर टूट जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं टूटेगा तो आधा घंटा भी नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। अच्छा ठीक, तो गाइस इस नेक्स्ट प्रोसेस में ये लोग खुदाई का काम कर रहे हैं। अब वो देखते हैं वो कैसे होगा, बट उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी कि यहाँ पे इनके जितने भी टूल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो सारे लोकली हैंडमेड टूल्स हैं। मतलब ये हर एक टूल खुद अपने हाथ से बनाते हैं। जैसे कि आप ये पूरा बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जो उनसे टूल ये यूज़ कर रखे हैं वो सब इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं ताकि इनके डिज़ाइंस में एक्सक्लूसिविटी आए। तो सर ये इसको औजारों को बनाने में भी बहुत टाइम लगता होगा। हाँ बहुत टाइम लगता है, इसको लोहे को गर्म करना पड़ता है, फिर इसे छीने, फिर इसको दार लगाना पड़ता है, वो सब यही लोग बंदे लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, ये पूरा हर एक डिजाइन के अकॉर्डिंगली आपका अलग अलग आप औजार यूज करते होंगे? हर किस्म का अलग अलग औजार यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको कोई मशीन का यूज क्यों नहीं करते हैं? मशीन से ज्यादा पतला वाला टूट जाता है। अच्छा, ये तो है मशीन बड़ा वाला, मगर बड़ा का बड़ा बड़ा डिजाइन होगा तो वो तो काट लेता है, मगर ये छोटा मोटा टूट जाता है काटने की तरह। अच्छा, और गाइज ये सारी जो टूल्स हैं यही वो हैंडमेड टूल्स हैं, ये सब अलग अलग कार्व करने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए हैं, और कौन सा टूल कौन सी जगह पे लगेगा वो इन जैसे आर्टिस्ट ही बता सकते हैं। ये पूरा जो कार्व्ड वुडन है ये लद्दाखी डिज़ाइंस और कल्चर से इन्फ्लुएंस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बीच बीच में ये सारे डिज़ाइन जो बन रखे हैं, ये ड्रैगन को एज एन इंस्पिरेशन दे के ये डिज़ाइंस कार्व करे गए हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे और भी कई तरह के डिज़ाइंस होते हैं, बट बेस्ड ऑन ऑर्डर होते हैं सारे के सारे डिज़ाइंस। तो अभी हमने देखा कि टेबल के ऊपर की जो कार्विंग्स जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती है। अब हम देखते हैं टेबल के लिए एक बॉक्स बनता है और उसके ऊपर ये कार्विंग्स को लगाया जाता है। ठीक है, तो हम एक बार गाइस देखते हैं कि कैसे बॉक्स बन रहे हैं। इन्होंने कुछ अपनी मेजरमेंट्स बताई हैं, तो मेजरमेंट्स वो चेंज भी हो सकते हैं डिपेंड अपॉन कैसे हम टेबल बना रहे हैं। बट इसमें ये जैसे बॉक्स देख रहे हैं, इसमें ये जो फट्टे लगे हुए हैं पहले कार्व्ड होके आते हैं, वो भी कार्विंग दिखाएंगे आपको। उसके बाद ये नीचे वाला, इसमें ये टेबल का लगता है पीस और ऊपर वाला पीस लगता है, फिर इसके ऊपर ही यहाँ पे जो अपनी कार्विंग्स दिखाई वो बन लगती है। तो ऐसा ही अगर होता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके बॉक्स कैसे बनते हैं। तो गाइस वहाँ पर बॉक्स जो बन रहे हैं वो इसी बॉक्स के ऊपर चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो इसमें ये वाली जो कार्विंग होती है ये भी एक ऐड ऑन इसमें एस्थेटिक के लिए होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये कार्विंग कैसे हो रही है। तो दोस्तों ये जो चौकसी टेबल बनाने का जो काम होता है काफ़ी सारे प्रोसेस में होता है और पैरेलल प्रोसेस होते हैं। कहीं पे कोई इंग्रेविंग का काम हो रहा है, कहीं पर ऐसे कुछ डिज़ाइंस और बन रहे हैं, कहीं पे टेबल या बॉक्सेस बन रहे हैं, तो उसमें से ही ये एक प्रोसेस है। तो हम अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे रॉ लकड़ी आई उसके बाद ये कैसे यहाँ पे इंग्रेविंग का काम कर रहे हैं उसमें। तो भैया यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है अभी? पहले एक खाली होता है, वहाँ से लाता है लकड़ी बना के, फिर यहाँ पे डिज़ाइन बनाता है। अलग अलग डिज़ाइन होता है, कस्टमर जो बोलता है उनके हिसाब से डिज़ाइन बनाता है। फिर उसको हम इस पे इधर एक रोटर मशीन होता है, इस पे बीट अलग अलग लगता है, फिर उसके बाद इस पे कार्विंग किया जाता है। हमारे अपने हाथों से कार्विंग करते हैं। इसके बाद यहाँ से बनने के बाद हम उनको दे देता है, बॉक्स बना देता है, वो लोग उसको चौकसे बनाता है या हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ जी मैम। तो मशीन चलाने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। इसको फिनिशिंग करते हैं, इसको इस पर रिगमर लगाया जाता है, इसको टचिंग देके फिर उनके पास दिया जाता है, फिर उनको ये लगा देते हैं, चोकसे में लगा देते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स ऑलरेडी बन के रेडी हो चुके हैं, कार्विंग वाले बॉक्स बन के रेडी हो चुका है, इनके ऊपर का टेबल भी लग चुका है जो कि अभी प्रोसेस हमने नहीं दिखाया। अब यहाँ पे काम आते हैं पाए बनाने का। तो पाए कैसे बनते हैं? आया है कि मैं रंधा करके रेडी किया, निशान लगाया, अभी इस मशीन से मैं पाया रेडी कर। अच्छा, इस मशीन से रेडी करते हैं और उसके बाद उसको जोड़ देते हैं। हाँ, जोड़ देते हैं। अच्छा, और आप कहाँ से? वैसे एमपी से। आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे काम करने के लिए आए? काम करने के लिए। कितने साल से? मैं इधर 7 साल से। 7 साल से? हाँ। घर की याद? घर की याद आती है कभी कभी। हाँ। अकेले ही यहाँ पे रहते हैं? नहीं, अभी तो वाइफ भी है। अच्छा अच्छा, ऊपर जो देख रही है, और एक छोटा भाई है। अच्छा, तो पूरी फैमिली के साथ आए हैं। और ठंड के टाइम क्या होता है? चले जाते हैं? ठंड के टाइम में रुकते हैं और फिर ज़्यादा ठंड होती है तो चले जाते हैं एमपी चले जाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो गाइस ये एमपी से यहाँ पर लेह में काम करने के लिए आए हैं। तो चलिए अब हम आप दिखाइए हमारे को कैसे ये पाए बनाते हैं आप इसके। मशीन से पाया बनाया, ये रेडी है। रेडी नहीं है अभी, खाली फिनिशिंग इसको बाकी है। तो विजय जी, अभी आपने इसको इस मशीन पे डाल के क्या किया? हमने ये एक साइड टेढ़ा था, सीधा करने के लिए एक साइड रंधा किया, उसके बाद हमने गेज में डाल दिया ताकि ये दोनों साइड एक साइज में आ जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो आपने पाए बनाए उसके बाद फिर आप उसको किलो से ठोक के आप उसको असेंबल कर देते हैं। हाँ, उसका अच्छा। पहले ढांचा खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद इसको उस पाए में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद टेबल खड़ा करेंगे, उसका टेबल खड़ा करेंगे। हाँ। तो गाइस कुछ ऐसे दिखता है ये सारी चीज़ें असेंबल होके, जहाँ पे यहाँ पे इसके पाए लग चुके हैं, ये बॉक्स बन चुका है, ये सारे इंग्रेविंग वाले पार्ट सारे इसमें अटैच कर दिए गए हैं, इसके ऊपर का टेबल भी अटैच कर दिया गया है। अब इसके बाद चलते हैं इसके पॉलिशिंग और फिनिशिंग वाले प्रोसेस में और दिखाते हैं कि वो कैसे किया जा रहा है। वहाँ से नीचे से जब ये सारी चीज़ें असेंबल हो जाती है उसके बाद में फिनिशिंग वाले यहाँ पर एरिया में आता है। तो वैसे काफ़ी टाइम से ये वर्कशॉप बंद थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अब ये खुली है। तो फिर अब आप बताइए कि ये जो इस फर्नीचर है या फिर कहीं चौकसी टेबल, इस पर कैसे आप पॉलिश कर रहे हैं? इस पर पॉलिश हर एक कलर होता है, अलग अलग चॉइस की, जो चॉइस करेगा कस्टमर उसकी जैसे कि डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। जैसे ब्राउन हो गया, हर एक कलर बनता है यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद फिर आप इसको स्प्रे से पूरी फिनिशिंग करते हैं? स्प्रे से पूरी फिनिशिंग होती है। अच्छा, हमें एक मशीन दिखा सकते हैं? तो गाइस यहाँ पर अभी इन चॉक्सी टेबल की फाइनल फिनिशिंग हो रही है, जिसको स्प्रे से फिनिश करा जाता है और वार्निश लगाने के बाद कुछ दिन के लिए छोड़ जाता है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है फिर इसको मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। इवन गाइस चॉक्सी टेबल लद्दाखी कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी घर में विज़िट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेस्ट रूम्स और डाइनिंग रूम होते हैं, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हीं बड़े बड़े रूम्स में बहुत सारे चॉक्सी टेबल्स लगे होते हैं। इस टेबल की एक और खासियत होती है कि ये 3 साइड क्लोज टेबल होते हैं, जिसका 4th साइड ओपन होता है, क्योंकि लद्दाखी कल्चर में नीचे बैठ के खाने का रिवाज है और इसी वजह से इंसान आराम से इस चॉक्सी टेबल पर बैठ सकता है और खाना खा सकता है। इवन गाइस जब आप यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ भी विज़िट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी लामा लोग हैं वो इन्हीं चॉक्सी टेबल के ऊपर होली बुक रख के उसका चांटिंग करते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर ये जो चॉक्सी टेबल तिब्बतन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होकर आया है, तो इस वजह से इनके डिज़ाइन और मोटिव तिब्बतन कल्चर से भी काफ़ी मिलते हैं। ये हैंड क्राफ्टेड भी होता है, तो इस वजह से इट्स लिटरली अ टाइम टेकिंग एंड अ लेबोरियस लद्दाखी कल्चरल आर्ट। तो दिस इज़ दी वर्कशॉप जहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे वुडन कार्व करे हुए चौकसी टेबल्स दिख जाएंगे। तो इनके भी अलग अलग प्राइजेस हैं और वो प्राइजेस हम भैया से पूछते हैं कि क्या क्या प्राइजेस हैं इनके। ये सर ये बिना फोल्डिंग वाला है, ये बिना फोल्डिंग वाला है, इसका जोड़े को 9,500 है जोड़े को। ये फोल्डिंग वाला है सर, ये छोटा वाला है फोल्डिंग वाला, जोड़े को 13,000 है जोड़े को। ये भी 13,000 का है। ये बिना ये ड्रैगन वाला खोद के बना हुआ है, जहाँ आपने देखा है उधर खोद के बना हुआ ये वाला, ये खोद के नहीं रूटर वाला है, इसीलिए थोड़ा सस्ता है। ये भी 13,000 का है, ये भी 13,000 का है। ये बोरॉन कलर का है, कलर का भी ये है 15,000 का, ये 15,000 का ड्रैगन वाला है, फोल्डिंग वाला है। ये उससे भी बड़ा है, एक इंच 2 इंच का बड़ा होगा, इसका है 16,000 जोड़े का। ये इससे बड़ा है, मतलब ये जैसे 2 होता है, हमारा पतना बोलते हैं इसको, ये 2 है, ये 19,000 है जोड़े का। सबसे महंगा है, हाँ सबसे महंगा है ये। और ये इसलिए हमारी इस 2 पतना नहीं है, हमारी इसमें ये खोदा हुआ है, ये ड्रैगन का ये बना हुआ है, ये खोदा, इसीलिए सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल देता है कि हम एक को 13,000 शीशा वशा लगा के, एक को 13,000। ये है, ये भी 9,500 का है ये, और ये इसका रेट सेम है। हमारे इसमें रूटर लगा हुआ है, इसमें खोदा हुआ है। ये 7,000 का है एक, बिना शीशा में, शीशा नहीं लगा के, शीशा वो लगा के। ये 6,000 का है सस्ता वाला। अच्छा सबसे सस्ता वाला ये है 5,500 का है, ये 6,000 का है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया लद्दाख के एक्सक्लूसिव वुड कार्विंग ऑन चॉक्सी टेबल। एंड आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, कितने इंट्रिकेट डिज़ाइन से सारे के सारे टेबल्स बनते हैं। इनके प्राइस भी उतने वर्थ इट है, बिकॉज उतना मेहनत इन चॉक्सी टेबल को बनाने में लगता है, विच इज़ एक्सक्लूसिव इन लद्दाखी कल्चर। सो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। और हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये हैंडीक्राफ्ट कैसा लगा। टिल द टाइम बाय, बी सेफ एंड आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए आर्टिसंस के साथ और एक नया हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम लेके लद्दाख का।